हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और ये देखिए, यहाँ पे काम काज चालू है, नवरात्रों की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मंदिर को थोड़ा डेकोरेट किया जा रहा है क्योंकि ये मंदिर काफ़ी पुराना हो चुका है, कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, तो अभी हम चेंज करना है इसको। पर कहते हैं ना, हर काम में थोड़ा टाइम लगता है। अभी घर में जो भी चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, फिर इसको भी चेंज करेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए हम कुछ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो काफ़ी हद तक वो सफल रहा है, अच्छा ही लग रहा है ओवरऑल। तो आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके। बहुत मेहनत लग गई थी, बहुत देखने में जितना इजी लगता है उतना नहीं होता है। और फिर ये मंदिर में एकदम से ऐसी जगह नहीं थी कि प्लेन जो अपने को दिख रही और सीधी सीधी, तो लगाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। फिर भी जैसे तैसे मैनेज करके लगाने की कोशिश की, लगा ही दिया है फाइनली। तो लगाने के बाद ऐसा लगता था कि अरे थोड़ा ऐसा कर लिया होता तो ठीक था, पर चलो जो भी है अच्छा ही है, अच्छा लग रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा रहा, हमारी मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई। हम लोग इतना थक गए थे आज, पूरा दिन हम लोगों ने पहले मंदिर की सफाई की और मम्मी ने मूर्तियों की सफाई की। हर हर बार ऐसा होता है, कोई भी फंक्शन होता है, ये नवरात्रे हैं इसलिए नहीं, कोई भी त्यौहार होता है तो मम्मी सबसे पहले मंदिर से शुरुआत करती हैं उनकी मूर्तियों की सफाई। जबकि वो गुरुवार शुक्रवार रहती हैं तब तो वो करती ही हैं, और कोई भी स्पेशल आता है, कुछ भी मतलब ऐसा होता है त्यौहार या कुछ भी, तो भी वो अपना मंदिर को सबसे पहले साफ़ करेंगी। और उनके वस्त्र वगैरह सब कुछ जो मैंने आपके साथ अभी थोड़े से शेयर किए हैं, किसी दिन मैं प्रॉपर वीडियो डालूंगी उसका। तो बस यही लगे हैं इसमें, और शाम होते होते थक भी गई थी। सुबह से काम काज चालू, एक तरफ घर के काम जो है बन रहा है वो तो हो ही रहा है, फिर नवरात्रि की तैयारी, फिर बाहर से सामान भी लाना था, माता जी की वो लहंगा चुन्नी जैसी अभी ड्रेस आती है ना, तो मैं तो अभी फर्स्ट टाइम ही लाई थी, और विष्णु भगवान का और कान्हा जी का चुनरी, ये सब काफ़ी चीज़ें लाई थी, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जबकि हमारे बॉक्स भर भर के रखे हैं तब, क्योंकि हर त्यौहार पे, हर उस पे, प्रसंग पे नए कपड़े भगवान अपने लिए लेते हैं, तो भगवान जी के लिए क्यों नहीं लेने चाहिए। तो वही सब चल रहा है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो कैसी लगी है वो भी बताएँ। तो बस अभी हमारा यही कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि इसमें अंदर की साइड दिखता कुछ नहीं था, और मेरा तो मैं ऐसे सर अंदर करके वो करती थी ना, तो मुझे एकदम से चक्कर से आने लगते थे, मतलब अजीब सी फीलिंग होती थी। जो जिस जगह पे हमने ये लगाया है ना, तो वो बहुत मतलब अलग ही था। अब जैसे तैसे करके लगा दिया, आपको दिख रहा होगा क्योंकि ऊपर की साइड से चिपक गया, साइड से छूटता जा रहा है। जो भी प्रॉपर वे में जो बताते हैं ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, वो बताना अलग बात है, पर जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं वो किस तरह का है, कहाँ पे कर रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप प्लेन जगह पे सीधी सीधी पे करोगे तो हर तरह से अच्छे से लग जाएगा, पर हम अगर यहाँ पे इसमें बीच में बहुत सारी वो भी है, क्योंकि डिज़ाइन दी गई है ना, तो जिसका भी वो क्या बोलते हैं, जो भी ख़राब वाली पार्ट होते हैं ना, वो अंदर की साइड ही छुपा दिए जाते हैं, तो अंदर की साइड से बहुत ऊंचा नीचा सा था डिज़ाइन है, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम हो रही थी। पर वही है कि कुछ सीखने को भी मिल जाता है, अब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इससे बेहतर हो सकता है, नेक्स्ट टाइम करने की नौबत ही नहीं है, भगवान ने चाहा तो मंदिर बहुत अच्छा सा ही आने वाला है। क्योंकि जब हम ऊपर आए थे तब हमने यही लिया था नया, उससे पहले हमारे पास लकड़ी का है, अभी भी है, तो मम्मी ने यही कहा था कि अगर हम नए घर में आए हैं तो हमारे भगवान जी क्यों पुराने मंदिर में बैठे, उनके लिए भी नया लाएंगे। जब स्टार्टिंग में ये मार्बल का मंदिर चला ही चला था तब लाए थे, तब ये 5,000 का आया था, और अब जो लाएंगे वो बढ़ के ही आएगा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है, फिर कुछ चॉइस भी बढ़ जाती है। तो वीडियो पे बने रहिए, देखिए। Oh,
अभी काम पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे आए हैं। ये जो आगे की तरफ मार्बल का पत्थर लगा है जहाँ पे हम दिए वगैरह करते हैं, उसमें भी कटिंग है, तो उसको प्रॉपर कट कर करके सेलो टेप की हेल्प से कर रहे हैं। और इतनी जल्दी ये चिपक नहीं रहा था, जितना दिख रहा है ना कि बस इतना ही करना है, ऐसा नहीं है। जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तब पता चलता है कि उसमें कितनी मेहनत और कितना टाइम लग रहा है। और फिर उसके बाद तो मैं और काम करने लगी थी, फिर मम्मी ने ये जो मंदिर के नीचे की साइड वाइट कलर का दिख रहा है वहाँ पर भी लगाया था, और मंदिर ठीक लगने लगा था। और वैसे भी भगवान जहाँ बैठते हैं वहाँ उनकी बैठने से ही उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, पर ये थोड़ा जो लगा दिया था उससे शाइन अच्छी आ गई थी। तो बस यही है आज का एक्सपेरिमेंट हमारा, काफ़ी हद तक अच्छा ही रहा था। और आप लोग आगे बताएंगे कि कैसा रहा। और लकड़ी की लकड़ी का मंदिर हो ना तो उस पर और अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो पकड़ अच्छी रहती होगी। इसमें तो शायद कम चिपक रहा था या हमको आ नहीं रहा था बराबर, ये भी हो सकता है, पर ठीक था, मेहनत करते रहे थे। और उसके अलावा अभी साइड एक साइड लग चुका है, इधर बाकी है, मम्मी वही बता रही हैं। और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, देख के ही लग रहा था कि कैसे चिपकाया जाएगा। फिर काम बहुत सारा फैला पड़ा था, बहुत सारा, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अभी तो मम्मी ने मूर्ति साफ कर करके रखी हैं, फिर इनको लगाया था, क्योंकि कल सुबह का मुहूर्त है, 7 बजे से पहले स्थापना हो जानी चाहिए। और जब ऐसा, और मम्मी की आदत है पहले मुहूर्त में ही स्थापना करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो फिर दूसरी तीसरा जब आए तब, तो इसलिए उनको इतनी चिंता हो रही है। मैंने कहा मम्मी आज नींद नहीं आने वाली है आपको रात में, क्योंकि कोई भी काम हो उनको, उनका है ना टेंशन वाला स्वभाव है। खैर हमको भी टेंशन होता है ऐसा नहीं है, पर उनको थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है हर चीज़ का। हमको तो क्या बड़ी चीज़ों का होता है, छोटी मोटी चीज़ों का इतना ज़्यादा होता नहीं है, या फिर हमारे ऊपर उस तरह से आया नहीं है, ये भी हो सकता है। जब सब कुछ अपने ऊपर आता है तो चिंता भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनको यही बोलते हैं कि मम्मी हमेशा अपना हर चीज़, हर काम अपना टाइम पे होता है, और देखो मुझे कितनी ज़ोर से जमाई आ रही है, क्योंकि आलस आ रहा है बैठे बैठे बहुत। तो मैं यही बोलती हूँ कि आपका है ना हर काम टाइम से होता है, फिर भी आप हमेशा ऐसे बोलती रहती लेट हो गए लेट हो गए। तो बोले हाँ तुमको तो बातें आती हैं, बोला हाँ ये बात भी हो सकती है। तो उन्होंने सारी कुछ तैयारी कर ली है, बहुत कुछ तैयारी कर ली है, क्योंकि उनका पूजा में शाम भगवान जी को तैयार करना, उनके कपड़े सबके वस्त्र अब अलग अलग, पहले तो क्या एक चुनरी होती थी वही सबको पहना देते थे। अब कान्हा जी की, कान्हा जी का तो खैर शुरू से अलग ही होता है, कान्हा जी का है, विष्णु जी का है, अब माता जी के लिए लाई हूँ, तो सब अलग अलग वस्त्र पहनाने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि बस लपेट के रख दो। तो वही है, कोई भी काम प्रॉपर तरीके से करोगे तो उसमें तो टाइम लगना ही है। और ये देखिए हमारा मंदिर सामने से ऐसा दिखने लगा है, और ये साइड में जो जगह दिख रही थी ना वहाँ पर भी हमने पट्टी काट के लगाई थी, तो अच्छा ही लग रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लग रहा था, पर शायद थोड़ा और अच्छे से हो सकता था। वो मन में थोड़ा ऐसा कचास सी रह गई कि उतना हम कर नहीं पाए। और ये देखिए ये मैंने छोटी सी पिक लगाई है, ये मम्मी ने मूर्तियाँ भी रख दी थी उसकी है। और आप लोग तो ज़रूर बताना कमेंट करके, और किस किस के यहाँ क्या क्या तैयारियाँ हो गई हैं वो भी बताना, और व्रत करते हो कि नहीं करते हो, कौन कौन व्रत करता है। और यहाँ पे अब हम इसको ऐसे प्रेस करके फिर सेलो टेप लगाते हैं, पर जैसे ही सेलो टेप लगाने जाते थे ना तो वो हाथ से थोड़ी पकड़ ढीली होते ही वो फिर से ऊपर आ जाती थी, तो ये इसमें बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। और देखने में तो अच्छा ही लग ही रहा है। और ये सब मंदिर मैंने अभी पेपर वेपर बिछा दिए थे, काफ़ी टाइम से इसकी तैयारियां चल रही थी। और ये मैं शॉपिंग हमारी छोटी सी, एक कान्हा जी के लिए ड्रेस लाई हूँ, एक मम्मी ने पहना भी दी है, और ये माता जी के लिए धोती और उनकी चोली और वो लहंगा इस टाइप की है, और 2 चुनरियां लाई थी वो मम्मी ने उढ़ा दी है अभी उनको, ये कल पहनाएंगी ये वाली चुनरी है। और विष्णु भगवान का भी ये यहाँ पे बाघा बोलते हैं, पोशाक कह सकते हो, और चुनरी है अभी इसी में रखी थी बची हुई, इनको मैं बॉक्स में रखने जा रही थी तो मैंने कहा लाओ सूट कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं दिखाना भूल जाती हूँ अक्सर कि हम ये लाए वो लाए। ये देखिए ये सब कुछ है,
तो आप लोग बताना कैसा लगा। ये पूरा बॉक्स है, मम्मी ने ये कान्हा जी की पोशाक, उनके जेवर और ये सब रखती है ना, तो ये देखिए मैं दिखा रही थी। कान्हा जी के कपड़े देख के कितना, देखो इतने डिज़ाइन वाले बनाते हैं ना कि अपने सोच भी नहीं सकते। और ये माला भी लाई थी मैं, ये पूरा बॉक्स उनके कपड़ों से ही भरा है। एक और ऐसा बॉक्स है उसमें माता जी के हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए उनकी ज्वेलरी, उनका सिंगार का सामान, ये माला विष्णु भगवान को पहना दो, अच्छा लगता है। छोटा छोटा ये माला है बहुत सारी। मैं कह रही हूँ, तो मम्मी आगे बैठी सजा रही हैं मंदिर, उनको जो जो रखना था वो कर लेंगी। और ये इतना सब सामान है। और ये चौकी है, चौकी भी टेबल पे रख के यहाँ पे कलश स्थापना होगी, तो इसको सब मैं अभी धो के लाई थी। और बस यही है हमारा मंदिर। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइए। और लाइटिंग तो अभी रखी है, अब तो दिवाली तक ऐसे ही रहने वाला है। तो बस अब सुबह मिलते हैं। और ये देखिए हमारा फाइनल लुक। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।